ओम नमो वेंकटेश्वराय नमः। आंध्र प्रदेश में नई सरकार का गठन हुआ। नई सरकार का गठन होते ही टीडीपी के हमारे मुख्यमंत्री जी नारा चंद्रबाबु नायडू जी ने एक बहुत ही अच्छा संदेश दिया कि जब आंध्र प्रदेश में गलती से वाईएसआर की सरकार बनी, वाईएसआर पार्टी की सरकार बनी, जगन मोहन कन्वर्टेड क्रिश्चियन वो मुख्यमंत्री बना आंध्र प्रदेश राज्य का। जैसा ही एक कन्वर्टेड क्रिश्चियन आंध्र प्रदेश का मुख्यमंत्री बनते ही हिंदू धर्म को किस प्रकार से नुकसान पहुंचाए, जितने जो प्राचीन मंदिर है आंध्र प्रदेश में उन मंदिरों को कैसे हम बदनाम करें, उन्होंने एक षड्यंत्र रचा। टीटीडी एक बहुत बड़ा तीर्थ स्थान है तिरुपति, उस तिरुपति बालाजी भगवान के दर्शन के लिए भारत से नहीं विदेशों से भी लोग आकर दर्शन करते हैं, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज आकर वहां पर दर्शन करते हैं। लेकिन जब वाईएस राजशेखर रेड्डी का जो पुत्र है जगनमोहन रेड्डी, जब मुख्यमंत्री बनने के बाद में वहां पर गैर हिंदुओं को नौकरी देना और गैर हिंदू जो कि कन्वर्टेड क्रिश्चियन था उसको चेयरमैन बनाना, ऊपर पता नहीं मांस जाता था, शराब जाती थी, यानी पूरे तिरुपति देवस्थान को बदनाम करने की कोई कसर जगन मोहन रेड्डी ने नहीं छोड़ी। लेकिन आज देखिए आंध्र प्रदेश की जनता ने ये सभी चीज को देखा, ऑब्जर्व किया, नहीं जगन मोहन रेड्डी अगर आंध्र प्रदेश का मुख्यमंत्री रहेगा तो आंध्रा का हिंदू और आंध्रा के प्राचीन मंदिर सुरक्षित नहीं रहेंगे। जनता ने बदलाव चाहा, फिर से एक बार टीडीपी की सरकार को आंध्र प्रदेश की जनता ने लाया और मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू जी को बनाया। और चंद्रबाबू नायडू जी मुख्यमंत्री बनते एक बहुत अच्छा उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि अब जो तिरुपति देवस्थान है, जो तिरुपति का जो बालाजी का जो मंदिर है, वहां पर ओम नमो वेंकटेश्वराय नमः का ही स्लोगन चलेगा, सिर्फ एक ही स्लोगन चलेगा, बाकी के जो भी अधर्म वहां पर होता था वो सभी समाप्त होगा। ये बहुत ही अच्छा संदेश हमारे आंध्र प्रदेश के नए मुख्यमंत्री जी ने दिया है। वैसे ही मैं मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा, जिस प्रकार से तिरुपति बालाजी मंदिर को आप शुद्ध रखने का जो आपने जो संकल्प लिया है, वैसे ही श्रीशैलम जो मल्लिकार्जुन का जो शिवलिंग है, जो ज्योतिर्लिंग है, वहां पर भी अधर्मियों का राज है, हिंदू धर्म विरोधियों का राज है, वहां पर भी मांस जाता है फूलों में छुपाकर। और कईयों ऐसे मंदिर के जो वर्कर है, जो होमगार्ड है, जो गैर हिंदू है, तो मैं मुख्यमंत्री से निवेदन करना चाहूंगा जहां जहां पर आंध्र प्रदेश में प्राचीन हमारे मंदिर है उन मंदिरों में सिर्फ हिंदू धर्म का प्रचार हो, हिंदू धर्म को मानने वाले लोग ही काम करें और हिंदू धर्म को मान सम्मान देने वाले ही चेयरमैन बने और बोर्ड मेंबर बने। ये मैं हमारे आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री से निवेदन करना चाहूंगा। We'll be right back.